हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी ब्लॉग बाय क्रेजी। वेलकम बैक। और मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, टाइटल से काफ़ी आइडिया हो जाएगा। काफ़ी टाइम पहले मंगवाया था जी हमने ये ऑर्डर, लोगों से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। काफ़ी फेमस ब्रांड है, हर एक की जो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है। और ये मेरी कौन सी डील थी, कब थी, मुझे अब याद बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी मेल में चेक करूँगी, अगर मुझे इसकी मिल गया तो वो मैं बिल इधर डाल दूंगी। एक्चुअली मैंने ब्लश डील ली थी, तो अब फर्दर एक्स्ट्रा बॉक्सिंग तो अनबॉक्सिंग मैंने कर ली थी, और अब आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो इसके साथ साथ आपको बता दूं, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे फ्रेंड्स पहले के हैं, आपने प्लीज़ करना है अच्छा सा सपोर्ट। और ये बॉक्स कुछ इसी तरह था, मतलब ग्लू इसकी हल्की सी रिमूव हुई थी, और मैंने भी इतनी हिम्मत दिखाई कि जोड़ा नहीं, और मैंने इसको ऐसे ही संभाली रखा है अब तक। ओके, ये इनकी बबल रैप का इस तरह ये रैप था। और इसमें बात करेंगे कि कौन सी डील के साथ क्या था, और इसके साथ गुडीज मुझे किस चीज़ की आई थी। तो अब इसको सब चीज़ों को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसका कोई काम नहीं रहेगा, अब ये जाएगा गार्बेज होने। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, ओ माई ब्लश, दिस वन इज़ गुडीज लैशेज वर्ल्ड टूअर एडिशन, दिस वन इज़ पोरफिट प्राइमर लार्ज ट्यूब, एंड दिस वन इज़ स्नो ग्लो सीरम BBA बाय सुलेमान फेस हाइड्रेटिंग सीरम, जो कि हम समझ में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब डील थी टोटल ये, ठीक है, ये डील थी, और इसके साथ मुझे आई ये गुडीज़, ठीक है। कोड आई थिंक मैंने अप्लाई कोई भी नहीं किया था, कोई ऑफ पे ही था कि जितनी अमाउंट होगी उसके साथ उन्होंने भेजी थी मुझे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस वाली मेन चीज़ से, क्योंकि इनकी अब तो बहुत ज़्यादा सीरीज़ में इन्होंने निकाली हैं। दीवा है, नाइट ग्लैम में है, लेकिन ये इनकी सबसे पहली पैलेट्स थी। इससे पहली वाली भी मैं एक वीडियो में आई थिंक शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, और या मैं जो है ठहरे मैं इसको कवर कर लूँ मेरे को। अच्छा जी, उसमें थे टू स्टाइल्स, एक मेरी आप इंस्टा की पोस्ट पे भी चेक कर सकते हो, उसमें मैंने शेयर की हुई है वही शेड्स, लेकिन इसमें उन्होंने फ्लावर टेक्सचर किया हुआ है। इसमें पिंक के भी जिस तरह दो टोन है, कॉरल के भी दो हैं, ये रोज़ और कॉरल के नाम से, और ये इन्होंने मिक्स मैच जिस तरह ये एज ए आप इसको हाईलाइटर, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा इधर करके, क्योंकि आई होप सो कि थोड़ा विजिबल हो। अच्छा, अब इसमें कॉरल में जो है ना, मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको शेड्स दिखाने हैं और डील्स का बताना है, क्योंकि आप पिक करेंगे अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इतने मज़े की इनकी डील्स। अच्छा, ये देखें, ये कॉम्बिनेशन है कॉरल का, ये फुल पिंक भी नहीं कहेंगे इसमें, लेकिन माइनर सा टच है, ठीक है। अब आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ पिंक वन। पिंक वन में ऑब्वियसली ये तो वही टोन है, ठीक है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास जो ये लाइट शिमरी पिंक है, ये वाला मतलब अब विजिबल होगा, क्योंकि ये थोड़ा पीची पिंक है और ये ज़रा हॉट पिंक टाइप है, ठीक है। अब हो गया ये वाला, ये देख लें, ये टोटल शेड्स सारे डिफरेंट हैं, फुली पिगमेंटेड हैं, और जैसे ग्लो टाइप है इसको आप ऐसे ब्लश हाइलाइटर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको टोटल को मिक्स करके शेड इसका कॉरल का, ठीक है, और ये सारा आया हमारे पास पिंक का, ठीक है। मतलब ऐसे आपने मिक्स यूज़ करना है, अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है, कलर में हाईलाइट करना है, अपनी आईज़ में यूज़ कर सकते हैं आप अच्छे से। डेली बेसिस पे मिक्स करके एक अच्छा सा शेड बन जाएगा। ओवरऑल पैकेजिंग बहुत अच्छी, मिरर अच्छा खासा सॉलिड उन्होंने दिया हुआ है हमें इसमें, ठीक है, और बेहतरीन है। ओके गाइज, अब ये ब्लश तो हो गए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके सिक्स स्टाइल्स थे पहली लैशेज में, जिसमें से मेरे पास फोर हैं, दो हैवी थे आई थिंक फाइव और या सिक्स, आई थिंक वन और सिक्स वो नहीं है इसमें। अब मैंने दोबारा भी जो डील्स मंगवाई थी उनके साथ मैं 9 और 10 नंबर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये होलोग्राफिक सी पैकेजिंग है, और ये इन्होंने लिमिटेड एडिशन बनाया था वर्ल्ड टूर, और इसका आई थिंक नंबर वगैरह तो कोई नहीं है, नहीं ये है बॉन्जोर 2, ठीक है। और ये इसका स्टाइल है, इनके बैंड बहुत ही थिन होते हैं, कोई थिक नहीं होते। अच्छे से आपने जो है इसको रिमूव करना है, कॉर्नर कट करने हैं। मेरा ख्याल है एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिंपल लैशेस के आपको टोटल कट करने की 2-3 ब्रांड्स की आपको शो कर दूंगी, और ग्लू आपके साथ शेयर कर लेंगे और आपको अप्लाई करना बता देंगे, क्योंकि बहुत इजी है। बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ होता है कि ये पता नहीं अप्लाई होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन ये इतना ईजी है कि एक ट्राई मस्ट है, उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं। इतने अच्छे से लगती हैं और आपकी एकदम से आई लुक ग्लैम। फुली सील पैक है, इसने ऑटोमेटिकली आपने जिस जिस तरह पंप करना है इसने यूज़ होते जाना है, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि समटाइम ये वाला ओपन वाला सीन नहीं है इसमें। और ये जो आप उसमें स्नो ग्लो स्नो से नज़र आ रहे हैं, ये देखें यहाँ से, आई होप सो कि ओके हो जाए, और ये इतने जल्दी जो है ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी स्किन के अंदर,
बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये ट्रैवल फ्रेंडली है, अगर आप ये अपनी डेली बेसिस पे घर में यूज़ नहीं करना चाहते फंक्शंस पे, तो ये आप रख सकते हैं। ट्रैवलिंग में सबसे अच्छा है और ये डेली बेसिस पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसको रखते हैं इधर ताकि आप लोगों को शो हो। मेन जो मेरी मतलब फेवरेट, सिर्फ इस टेक्स्चर फ्लावर टेक्स्चर की वजह से जो मैंने ली थी, हालांकि शेड मेरे पास ही ऑलरेडी हैं। और रही बात इसकी, आप जिस गेट टुगेदर है, आप लोग कहीं मार्केट भी बन के जा रहे हो, आपने लाइट सा कोई सीरम या कंसीलर अप्लाई करना है, तो ये बेहतरीन है। ये इतने मज़े की चीज़ है ना, आप एक बार यूज़ करेंगे माइनर सा ग्लो और अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऑयली स्किन वाले भी कॉन्फिडेंटली इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मिनी सी पैकेजिंग इन्होंने बनाई हुई है, बहुत क्यूट सी। इसको करते हैं साइड पे। अब आ जाती है हमारे इनके हॉट सेलिंग गुडीज़ की, जो कि मोस्टली सबके साथ होती हैं। ये इन्होंने अपने फेस जो है फेस ब्रशेज डील में भी ये डाला हुआ है। ब्रश जो है ना, कबोकी ब्रश, इसको आप एज ए क्रीम ब्लश के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन के लिए भी, मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट इसको फाउंडेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा क्रीम ब्लश है वो किसी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड नहीं होता सिवाय इस कबोकी ब्रश के, और ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। ओके जी, लास्ट पे हमारा आ गया ये मिनी टीनी सा, ये इनके दो प्राइमर्स के साइजेस हैं। ये है गुडी में आया, और इसकी चाहे उस पर एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और अच्छी लगती है कि प्रॉपर सील होता है। मे भी अगर वो इसको भी इस तरह करें तो आई होप सो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी टेक्सचर हर चीज़ वैसे ही है। ये जो है ये 10 ml का है, वो 30 ml का है। अच्छी खासी अमाउंट होती है, क्योंकि प्राइमर एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ नहीं होता, 1-2 ड्रॉप्स टाइप हिसाब से आप यूज़ करेंगे और अच्छे से आपका मेकअप फिट एंड फिनिश लुक आएगी। ओके, ये होगी मेरी मिनी सी वीडियो। आपने बताना है कि ब्लशेज़ कौन लवर्स है ब्लशेज़ के। मेरे पास ह्यूज कलेक्शन है ब्लशेज़ की, और मेरी अब भी होती कोशिश है मैं कोई ब्लश पैलेट अच्छी मिले तो ले लूँ। और तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और बताइएगा कि किस किस ने कौन कौन सी शॉपिंग की है बीबी आमना से, और किस किस तरह की चीज़ें ली हैं, लैशेज़ लवर कौन है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।